वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? देखिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3rd तक कंप्लीट कर लिए थे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन देखिए, पहले यहाँ पर क्या गिवन है। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट दी एनुअल वैल्यू ऑफ दी हाउस। क्या क्या यहाँ पर गिवन है? म्यूनसिपल वैल्यू आपकी 4 लाख, फेयर रेंट गिवन है 3,60,000, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है 4,50,000 एंड एक्चुअल रेंट है 50,000 पर मंथ। द बिल्डिंग रिमेन वेकेंट फॉर 2 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अनरियलाइज्ड रेंट ₹50,000। कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर ₹25,000 एंड बाय द टेनेंट ₹25,000। तो यहाँ पर देखिए, एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट को, और हम क्या देखते हैं, दोनों में से जो भी क्या हो आपका ग्रेटर हो। तो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में ग्रेटर क्या है आपका? म्यूनिसिपल वैल्यू 4 लाख, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। फिर जो आपकी ग्रेटर आती है उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से एंड देखते हैं दोनों में जो भी क्या हो लेस वैल्यू। तो दोनों में 4 लाख और 4,450 में लेस क्या है आपका? 4 लाख। तो यहाँ पर 4 लाख हम इसको कंसिडर करेंगे, आपका क्या कहलाता है? एक्सपेक्टेड रेंट। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 4 लाख। देन हम इसको कंपेयर करते हैं किससे? एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट है आपका 50,000 पर मंथ एंड जो हाउस है वो कितने मंथ्स वेकेंट रहा? 2 मंथ्स। इट मीन्स जो रेंट है वो कितने मंथ्स का रिसीव होगा? 10 मंथ्स का। तो 50,000 × 10 कितना आ जाएगा आपका? 5 लाख रुपीज। बट जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर हम पूरा 1 ईयर के रेंट से करेंगे। एक्चुअली हम लिखेंगे उतने ही मंथ्स का जितने का रिसीव हो रहा, बट जब हम इसको एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट को, तो जितना टोटल 12 मंथ्स का रेंट होता है हम उससे कंपेयर करते हैं। तो 12 मंथ्स का कितना होगा? 50,000 × 12 होगा आपका 6 लाख। मींस 4 लाख एंड 6 लाख में हम कंपेयर करेंगे एंड देखते हैं दोनों में जो भी ग्रेटर होता है, तो ग्रेटर दोनों में क्या है आपका? 6 लाख। तो 6 लाख का आपका 6 लाख ग्रेटर है। इट मींस हम बट लिखेंगे हम कितना जितना एक्चुअल में रिसीव हुआ हो। कितना रिसीव हो रहा है आपका? 5 लाख, क्योंकि यहाँ पर 2 मंथ्स के लिए वेकेंट था। तो 10 मंथ्स का आपका 5 लाख आया है। देन 5 लाख आपकी क्या हो गई? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देन हम इसमें से लेस क्या करते हैं? म्यूनिसिपल टैक्स, जो किसने पे किया हो? ओनर ने। टेनेंट कितना म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है, डिडक्शन सिर्फ उसका मिलता है जो ओनर ने पे किया हो। तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय दी ओनर कितना पे कर रहा है? 25,000 लेस हो जाएगा। एंड अनरियलाइज्ड रेंट भी लेस होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। तो 50,000 आपका क्या था? अनरियलाइज्ड रेंट, इसको भी लेस कर देंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 4,25,000 होगा आपका नेट एनुअल वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या गिवन है। मिस्टर राम ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी, इट्स एनुअल लेटिंग वैल्यू इज ₹80,000। एनुअल लेटिंग वैल्यू इसकी कितनी है? 80,000। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट वॉज लेट आउट टू अ टेनेंट ऑन अ मंथली रेंट ऑफ ₹7,000। कितने पर लेट आउट किया है? 7,000 पर मंथ के रेंट पर। ही क्लेम द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, म्यूनिसिपल टैक्स पे किए हैं 8,000, एक्सपेंसेस फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट 600, मेंटेनेंस अलाउंसेस पेड टू द स्टेप मदर ₹12,000 एनुअली, विच वॉज अ चार्ज ऑन दी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स बिल। द हाउस रिमेन वेकेंट फॉर 1 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दिसमेंट ईयर 2022 to 2023। एडिंग डालेंगे हम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दिसमेंट ईयर 2022 to 2023। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए कंपेयर करते हैं सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को। बट देखिए, यहाँ पर आपका फेयर रेंट नहीं है, डायरेक्ट आपका क्या गिवन है? सिर्फ म्यूनिसिपल वैल्यू आपकी गिवन है ₹80,000। देन हम इसी को कंसीडर कर लेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा 80,000। देन हम इसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, देखते हैं दोनों में जो भी क्या हो आपका ग्रेटर हो। तो एक्चुअल रेंट यहाँ पर कितना है? एक्चुअल जो रेंट है वो है आपका 7,000 पर मंथ पर लेट आउट किया था, बट 1 मंथ के लिए हाउस क्या था? वैकेंट था। तो कितने मंथ्स का रेंट आएगा? 11 मंथ्स का। तो कितना आ जाएगा? 77,000। दोनों में हम ग्रेटर देखेंगे। तो अब देखिए, अब एक्चुअली होता क्या है, जब हाउस वैकेंट होता है तो हम जो कंपेयर करते हैं वो हम करते हैं पूरे 12 मंथ्स के रेंट से, बट लिखते हैं जितना एक्चुअल में रिसीव हो रहा हो। तो 7,000 × 12 कितना होगा आपका? 84,000 रुपीज। तो जो हम कंपेयर है वो करेंगे हम 84,000 से, बट हम नोट कितना करेंगे? सिर्फ 77। तो देखिए, 80 और 84 दोनों में आपका ग्रेटर कौन सी अमाउंट है?
दोनों में ग्रेटर आपका 84 होगा, इट मींस आपका एक्चुअल रेंट ग्रेटर है एक्सपेक्टेड रेंट से। तो हमें इस वाले एक्चुअल रेंट को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, बट नोट सिर्फ कितना करेंगे, 77,000 जितना एक्चुअल में रिसीव हुआ है, क्योंकि 1 मंथ के लिए हाउस वेकेंट था, इट मीन्स 11 मंथ का रिसीव होगा। बट जब हम कंपेयर की बात आते हैं तो कंपेयर हम पूरा 12 मंथ से करते हैं। तो यहाँ पर आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77,000। देन हम इसमें से लेस क्या करते हैं, म्यूनसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट। तो यहाँ पर सिर्फ म्यूनसिपल टैक्स है, अनरियलाइज रेंट नहीं है, तो 8,000 ये लेस कर देंगे, तो आपका एनुअल वैल्यू आएगा 69,000 रुपीज। देन हम इसमें क्या करते हैं, इसमें आपका डिडक्शन मिलता है, देखिए तो आपका वो इसमें डिडक्शन हम लेस करेंगे अंडर सेक्शन 24। तो फर्स्ट जो डिडक्शन है वो होता है आपका 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो 69,000 का 30% आपका आएगा 20,700। देन इसको लेस कर देंगे तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आएगी 48,300 रुपीज। बाकी के जो इसमें एक्सपेंसेस है, ये कोई भी आपके अलाउबल नहीं होते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो इनको किसी को हम डिडक्ट नहीं करेंगे। सिर्फ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू यहाँ पर डिडक्ट होगा, जो कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है हाउस प्रॉपर्टी में, जो सभी को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मिस्टर जोसेफ ओन अ हाउस विच इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज कंप्लीटेड इन जून 2018। देखिए कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है हाउस का, जून 2018 में। द एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ द हाउस इज ₹96,000। तो 1 ईयर का इसका जो लेटिंग वैल्यू कितना है, 96,000। म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किया है, 20,000। ही स्पेंट ₹24,000 ऑन वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग पर 24,000 स्पेंट किया है। ऑन 1 अप्रैल 2016 ही हैड बोरोड ₹30,000 ऑन प्रो नोट एट 12% इंटरेस्ट एंड स्पेंट इट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। नथिंग हैज बीन रिपेड आउट ऑफ दिस लोन सो फार। मिस्टर जोसेफ अर्न अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। ही हैज अ स्कूटर फॉर गोइंग टू द ऑफिस एंड स्पेंड फॉर पेट्रोल एक्सेट्रा ऑन एन एवरेज ऑफ 1,000 पर मंथ। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो सबसे पहले हम क्या नोट करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी कैसे निकलती है, पहले हम कंपेयर करते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में, जो कि यहाँ पर आपका कुछ भी गिवन नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पर क्या है आपकी एनुअल लेटिंग वैल्यू है 96,000। तो इसी को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर और कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 96,000। देन हम इसमें से लेस क्या करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स, जो कि 20,000 पे हो रहे हैं, तो आपका एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा, 76,000। देन इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो फर्स्ट आपका होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, 31% कितना आएगा, 76,000 का 22,800। देन यहाँ पर देखिए जो लोन है वो किस पर्पज से लिया गया, हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अगर हाउस के कंस्ट्रक्शन या रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए लोन लिया है, तो जो उसका इंटरेस्ट है वो आपका क्या होता है, डिडक्टेबल होता है। तो यहाँ पर देखिए लोन कितना ले रखा था, लोन था आपका म्यूनिसिपल टैक्स, ही हैड बोरोड 30,000। लोन कितना ले रखा था, 30,000 रुपीज, एंड इंटरेस्ट का रेट कितना था, 12%। तो 30,000 का 12% कितना आ जाएगा, 12 3 36, तो 3,600 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट। एंड सेकंड जो पॉइंट है वो क्या लेस होता है, इसके बाद लेस होता है 1/5 ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पेड प्रायर टू कंस्ट्रक्शन। प्रायर टू कंस्ट्रक्शन इसे हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी डिडक्टेबल होता है। तो पहले अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो देखिए यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका कितना आएगा। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा लोन कब लिया एंड कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ। तो देखिए जो लोन है वो लिया था 1 अप्रैल 2016 को, एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था जून 2018। तो जून 18, इसका मतलब 2018-19 में कंप्लीट हुआ। तो जो प्रीवियस ईयर होता है वो आपका लिया जाता है प्री कंस्ट्रक्शन में, कंप्लीशन के पहले का। तो इट मीन्स जो 31 मार्च 2018 तक हम क्या ले लेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा 1 अप्रैल 2016 से लेकर के
31 मार्च 2018, तो 16 से 17, 17 से 18, टोटल कितना हो गया आप पर 2 ईयर्स, मतलब 24 मंथ्स आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा। 30,000 लोन ले रखा था, रेट था आपका इंटरेस्ट का 12%, एंड इसका हमें कितने मंथ्स का निकालना है, 2 ईयर का हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो 2 ईयर के लिए इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, 12/100, तो आपका कितना आ जाएगा, 7,200। इट मीन्स प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 7,200, तो आपको 7,200 का डिडक्शन और रिसीव होगा। देखिए, तो इसको हम डिडक्ट कर देंगे प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट के साथ साथ, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 फिर डिडक्ट होता है, 7,200 पूरा नहीं होगा। कितना अमाउंट डिडक्ट होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसका 1/5 अमाउंट क्या होता है, डिडक्टेबल होता है। तो 7,200 का हम क्या करेंगे, 1/5 कर लेंगे, तो इंटू 1/5, तो आपका अमाउंट आएगा 1,440। तो 1,440 आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, 3,600 आपका प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पर डिडक्टेबल होगा। तो यहाँ पर हम 30% एनुअल वैल्यू का लेस कर देंगे, एंड 5,040 रुपीज इंटरेस्ट का, तो टोटल आपका डिडक्ट होगा एनुअल वैल्यू में से 27,840। तो आपका यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा, 48,160 रुपीज। तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। दूसरा इसमें पॉइंट कैलकुलेट करने को बोला गया था, टोटल इनकम। तो यहाँ पर देखिए, एक तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, दूसरी जो डिटेल्स है वो दे रखी थी आपकी सैलरी इनकम की। तो यहाँ पर देखिए, सैलरी कितनी रिसीव हो रही थी, असेसी को सैलरी रिसीव हो रही थी 20,000 पर मंथ, एंड पेट्रोल वगैरह पे वो स्पेंड कर रहे थे 1,000 पर मंथ। तो 20,000 पर मंथ टोटल 1 ईयर की सैलरी कितनी हो जाएगी, 20,000 × 12 आपका 2,40,000 ये सैलरी हो गया। देन इसमें हमें डिडक्शन क्या मिलता है, जब इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड किया जाता है 50,000 का, जिसमें से हम लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो आपका कितना आ जाएगा, 1,90,000। ये होगी आपकी किससे इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से। तो आपकी टोटल इनकम कितनी होगी, 48,160 थी हाउस प्रॉपर्टी की, 190 आ गई आपकी सैलरी इनकम। तो टोटल जो ग्रॉस ग्रॉस टोटल इनकम होगी वो आएगी आपकी 2,38,160। तो आपकी टोटल इनकम होगी 2,38,160 रुपीज।